नागपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दिया है। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नागपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्लीन चिट दे दी है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। श्याम मानव ने अपनी शिकायत में कहा था कि महंत धीरेन्द्र अपने मंच से अंधविश्वास फैला रहे हैं। नागपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वीडियो देखने के बाद अंधविश्वास जैसी कोई बात नजर नहीं आई। हमारे पास बहुत लिमिटेड मैंडेट था कि जो नागपुर के दरमियान में कोई भी उनकी एक्ट या ओमिशन या अटरेशन इस एक्ट के अंतर्गत गुना होता है क्या, ये देखने की बात थी। और इस इशू पे डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि किसी प्रकार का कोई गुना नहीं निष्पन्न हो रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में कृषि, संस्कृति, कारोबार और डिजिटल वर्ल्ड में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान काउंटर टेररिज्म से जुड़ी सूचना और इंटेलिजेंस के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी। 68 साल के अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के तौर पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस के 6000 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम को भी पूरी तरह मुस्तैद किया गया है। चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। जगह जगह एंट्री ड्रोन गन भी लगा दी गई है। कर्तव्य पथ की सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी हो रही है। गणतंत्र दिवस और अपने स्थापना दिवस को यादगार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी को 1000 से ज्यादा अहम फैसलों का 10 भाषाओं में अनुवाद जारी कर रहा है। हिंदी के अलावा उड़िया, असमी, खासी, गारो, पंजाबी, नेपाली और बांग्ला भाषा में अनुवाद जारी किया जा रहा है। इसमें अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है। सर्वोच्च अदालत भविष्य में भाषा के दायरे को और बढ़ाएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मील के पत्थर माने जाने वाले फैसलों के अनुवाद का काम तेजी से हो रहा है। बेटियों को अभिशाप मानने वाले लोगों को बिहार में बेगूसराय के एक ई रिक्शा चालक ने शानदार पैगाम दिया है। अपनी नवजात बच्ची और उसकी मां को अस्पताल से ले आने के लिए टुनटुन कुमार सोनी ने अपने ई रिक्शा को दुल्हन की तरह सजाया और जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी धूमधाम से मां बेटी का स्वागत किया। इतना ही नहीं, घर में लक्ष्मी के आगमन की खुशी में टुनटुन ने पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांटी।